Yes guys, BandLab. तो गाइस, तुम लोग के बहुत ज़्यादा अमेजिंग सपोर्ट के बाद हेयर इज़ अनदर एपिसोड ऑफ BandLab और हम हर हफ्ते BandLab का एक एपिसोड ज़रूर करेंगे। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग यार। तुम लोगों ने मेरे पिछले हाउ टू मेक म्यूजिक ऑन फोन वाले वीडियो पे तुम लोगों ने 1 लाख व्यूज़ पार करा दिया यार। दिस इज़ जस्ट सो अमेजिंग यार, थैंक यू सो मच। और यार इस वीडियो पे भी ऐसी सपोर्ट दिखाना, और मैं क्या करूँगा कि हम हर हफ्ते अलग अलग टाइप का म्यूज़िक बनाएंगे सो दैट वी कैन गेट टू नो कि क्या क्या BandLab में छुपा हुआ है। उसको हर हफ्ते डे बाय डे और ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में एक 10 मिनट या 5 मिनट की वीडियो में कवर अप कर पाना सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो हम क्या करेंगे, हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ अलग अलग बनाएंगे और अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे BandLab के, फिर चाहे वो वोकल्स रिकॉर्ड करना हो, फिर चाहे वो बीट बनाना हो, चाहे वो सिंथ्स के बारे में हो, चाहे वो लूप्स के बारे में हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम पूरा BandLab कवर करेंगे। और मैं उन लोग को म्यूज़िक बनाना सिखाता हूँ फ़ोन पे, जो लोग हैवी माइक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, एक बड़ा पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते, कैमरा और ये सब। तो मैं तुम लोग की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम लोग जीरो बजट पे सिर्फ अपने फ़ोन में अच्छा म्यूज़िक बना सको और अपना यूट्यूब करियर अच्छे से स्टार्ट कर सको। सो प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना यार। और पिछले वीडियो पे तुम लोगों ने वैसे भी अमेजिंग सपोर्ट दिखाया, प्लीज़ यार शेयर ज़रूर करना। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना प्लीज़ मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ कहीं पे तुम लोग को इंस्टाग्राम हैंडल का यूज़र नेम दिख जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन इन द वीडियो। और मैंने अगर तुम लोगों को कुछ भी चीज़ ऐसी हो जो तुम्हें लगा यार कि इसने स्टार्ट से नहीं बताया, तो मैंने पुराने वीडियो में मैं लिंक कर दूंगा नीचे। मैंने जो पहला वीडियो बनाया था हाउ टू मेक म्यूजिक ऑन फोन, उस वीडियो में मैंने इन डेप्थ इसके बारे में बात ऑलरेडी कर रखी है कि अगर तुम लोग को ऐसा लगे कि यार ये इसने कैसे कर दिया, तो तुम उस वाले वीडियो को देख के समझ सकते हो कि हाँ मैंने एग्जैक्टली जो भी चीज़ें ओपन करी हैं वो कैसे करी हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और मैं हेडफोन्स लगा लेता हूँ। और आज मैंने एक बहुत ही सही म्यूज़िक बनाया। सो ये रही वो प्रोजेक्ट फाइल। सो यहाँ पर जैसे तुम इस प्लस पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ मिडी इंस्ट्रूमेंट्स में जाओगे तो तुमको बहुत सारे साउंड ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मुझसे। तो यहाँ आए अगर, तो हमको बेस चाहिए तो हमने बेस पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे बहुत सारे बेसेस दिए हुए हैं। और जैसे अब उसके अलावा मान लो हमको कीबोर्ड चाहिए तो हमने कीबोर्ड पे गए, तो यहाँ इतने सारे अमेजिंग कीबोर्ड्स दे रखे हैं। आप एक एक को प्ले करके सुन सकते हो, फिर उस पर डबल क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा, फिर उसको क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर और डेप्थ में जानना है प्रॉपरली कि कैसे करा है, तो मैंने जो पहले वीडियो बना रखा है तुम वो देख सकते हो। और जैसे बहुत सारे, देखो यार कितने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं यहाँ पे, परकशंस हैं, स्पेशल इफेक्ट्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, विंड है, वॉइस है। सो मतलब साउंड्स की कमी नहीं है। तुम अगर ये तो फिर भी 4 ट्रैक्स डाले थे, अगर तुम इस पर 10 ऐड करो, 20 ऐड करो, 30 ऐड करो, तो तुम एक बहुत ही अमेजिंग साउंड क्रिएट कर सकते हो, और जो कि प्रोफेशनल भी साउंड करेगा। और डोंट माइंड, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने अपने फ़ोन की जो स्क्रीन है वो मैंने अपने मॉनिटर पे कास्ट कर दी है सो दैट मैं ऐसे फ़ोन में देख के अगर नीचे करके बात करूँगा तो तुम लोग को इतना इंटरेक्टिव नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मेरे मॉनिटर की स्क्रीन पर मेरा फ़ोन कास्टेड है, सो मैं इधर देख के बात करूँगा। सो प्लीज़ बेयर कर लेना। तो म्यूज़िक कुछ इस तरीके से साउंड कर रहा है। सो अब अगर तुम ये फैक्ट देखो कि ये यार ये म्यूज़िक फ़ोन पे बना है, सो इट्स सो अमेजिंग। सो अब मैं एक के बाद एक, और सुनो ये गाना कितना ज़्यादा ब्राइट साउंड कर रहा है, जबकि सिर्फ 4 ट्रैक्स हैं। देखो 1 2 3 4, रॉकेट, यूकेलेले और एक बेस है और एक चेलो है। सो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक बीट बनाई, बहुत ही बेसिक बीट। मैं इसको सोलो कर देता हूँ ताकि तुम लोग को सिर्फ बीट सुनाई दे। तो मैंने क्या किया, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो मैंने इस तरीके से कुछ अरेंज किया है। ये केक है, ठीक है, ये है हमारा स्नेयर, और ये एक और एडिशनल एक किक डाल दिए ताकि थोड़ा सा किक में बहुत भारीपन सा है। और ये रही हमारी हैट्स। सो जब मैंने इसको प्रॉपर इस तरीके से अरेंज कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से साउंड कर रहा है। देखो ये है फाइनल आउटपुट। सो ये हो गए हमारे ड्रम्स। और ड्रम्स में मैंने क्या किया है, एफएक्स में गया मैं। अगर यहाँ पे डबल क्लिक करूँ, सो ये एफएक्स जो दिख रहा है आपको, एफएक्स पे क्लिक करोगे तो ये देखो मैंने हैवी बेस वाला इसमें प्रीसेट डाल रखा है। इसमें बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, ये देखो ये। सो तुम प्ले करके ऐसे करके प्ले करोगे और अलग अलग। सो ये मुझे बेस्ट लगा। तो ऐसे ही तुम लोग को जो भी इंस्ट्रूमेंट पे जो भी इफेक्ट अच्छा लग रहा हो, तुम ऐसे से करके उसको प्ले करके सोलो, और फिर उसके ऊपर ये इफेक्ट्स डाल के देखो कि कैसे किस इफेक्ट पे वो ज़्यादा बेस्ट साउंड कर रहा है। उसके बाद तुम लोग आउटपुट तो देख ही रहो कि किस तरीके से हमारे ये ड्रम्स साउंड कर रहे हैं। सो ड्रम्स हो गए, फिर मैंने कॉर्ड प्रोग्रेशन सेलेक्ट किया, बहुत ही अमेजिंग सा, और ये रहा वो कॉर्ड प्रोग्रेशन, बहुत ही अमेजिंग। देखो मैंने इस तरीके से कुछ मैंने कॉर्ड्स को सेट किया, कुछ इस तरीके से, ये तीन तीन के पैटर्न में ये रहे, और इस तरीके से मैंने इसको जब सेट कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से साउंड कर रहा है। कितना ज़्यादा अमेजिंग साउंड कर रहा है, मतलब एकदम वाइब आ जा रही है। सो ये होने के बाद, और मैंने इस पर भी एक इफेक्ट डाला था, और मैं यहाँ पे अगर इफेक्ट्स पे क्लिक करूँ तो मैंने ये सिनेमैटिक एम्बियंस डाला था। लुक एट दिस, अब अगर मैं चेंज करूँगा इफेक्ट्स तो साउंड कितना ज़्यादा वेरी करेगा, देखना। सो एज आई टोल्ड यू, जो भी इफेक्ट तुम लोग को ठीक लगे वो अप्लाई कर दो और फिर मूव ऑन करो। सो ये कुछ इस तरीके साउंड कर रहा है, मैंने दिखा दिया। देन आई मूव्ड ऑन टू बेस, और बेस थोड़ा सा लो साउंड कर सकता है, इसलिए मैं बेस की यहाँ पे, आप देख रहे हो, ये मैं आवाज़ बढ़ा दे रहा हूँ। यहीं से तुम लोग मिक्स को हैंडल कर सकते हो कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितना ज़्यादा लाउड रखना है। तो ये मैं बेस फुल कर देता हूँ ताकि तुम लोग को सुनाई दे। तो ये रहा बेस। दिस इज़ बेस, बहुत ही सिंपल है। देखो मैंने इस तरीके से अरेंज किया हुआ है, मैं अगर तुम लोग को दिखाऊं उसमें पियानो रोल में जाके, तो ये रहा। लुक एट दिस, बहुत ही सिंपल है, ऐसे करके मैंने अरेंज कर रखा है और ये आउटपुट कुछ ऐसा दे रहा है। तो अगर हम अब बिना इस वाले इंस्ट्रूमेंट के, चेलो के बिना अगर मैं बजाऊँ, तो मैंने इसको म्यूट कर दिया, यहाँ से म्यूट हो जाता है, तो देखो म्यूज़िक कैसा साउंड कर रहा है। काफ़ी अमेजिंग साउंड कर रहा है, काफ़ी अमेजिंग साउंड कर रहा है। सो फिर मैंने सोचा कि यार एक एम्बियंस मिसिंग है, तो मैंने क्या किया, ये बहुत ही अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, अब मैं इसको सुनाता हूँ, तुम लोग सुन के लिटरली मज़ा आ जाएगा तुम लोग को। सो मैं इसको अगर प्ले करूँ तो ये कुछ इस तरीके से बज रहा है। कितना ज़्यादा अमेजिंग एम्बियंस दिया है, मतलब एक फील दे दिया गाने को। और मैंने इस पर भी एक कोई इफेक्ट डाला है, अगर मैं यहाँ जाऊँ और यहाँ इफेक्ट्स पे क्लिक करूँ, तो दिस इज़ एयर फेजर। और अगर मैं इसी में इफेक्ट्स चेंज करूँ तो देखना कितना ज़्यादा नॉट दैट मच ब्राइट साउंड कर रहा है, मतलब कि एम्बियंट नहीं लग रहा है वो। सो यू कैन सी कि हम जैसे जैसे इफेक्ट्स कितना ज़्यादा एक साउंड को इफेक्ट करते हैं। सो ये हो गया एयर फेजर, और फाइनली हमारा गाना रेडी हो चुका है। और मैंने एक कुछ इसको बिल्डअप्स और वो सब दिए हुए हैं। सो मैंने क्या किया, जब गाना स्टार्ट होता है तो काफ़ी मतलब सटल स्टार्ट होता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टार्टिंग नहीं होती, धीरे धीरे वो ग्रेजुअली बड़ा होता है। सो दिस इज़ हाउ द फाइनल म्यूज़िक साउंड्स, और आई होप तुम लोगों को मज़ा होगा। वीडियो लाइक कर देना और प्लीज़ शेयर करना भूलना मत। सो मैं प्ले कर देता हूँ एंड हियर इज़ हाउ इट साउंड्स। सो गाइज आई होप, तो यार हेडफोन उठा देता पहले, हाँ। सो गाइज आई होप तुम लोग को मज़ा आया होगा और तुमने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और प्लीज़ यार, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग को फ्री में फ़ोन पे म्यूज़िक बनाना सिखाता हूँ, विच इज़ एक्चुअली अ बिग डील। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मेरी व्यूअरशिप में से बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब्ड हैं, तो तुम लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो को लाइक कर दो, और हम अगले हफ्ते फिर से एक BandLab का वीडियो लेकर आएंगे, और हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, ताकि क्योंकि देखो मैंने फिर से वही चीज़ बोली कि एक वीडियो में सब कुछ कवरअप कर पाना इज़ नॉट ईजी। सो हम अगले हफ्ते एक और ऐसा ही वीडियो लाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, शेयर कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि उससे क्या होता है, और भी तुम लोग की तरह नीडी लोग, जिन लोग को म्यूज़िक बनाना है फ़ोन पे, जो लोग ऐसे बड़े पीसीज और माइक्स और ये सब इंस्ट्रूमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फ्री में ऐसा म्यूज़िक बनाना सीख जाएंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी, ताकि वो कम से कम स्टार्ट कर सकें। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसी सपोर्ट करते रहो, एंड आई होप कि तुम लोग इस वीडियो पर भी अमेजिंग सपोर्ट दिखाओगे। सो प्लीज़ अगेन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और कमेंट छोड़ देना तुम्हें और कैसा म्यूज़िक चाहिए। So thank you so much for watching and I'll see you in the next one. Bye bye.